प्रज्ञान ब्रह्म की बात हुई, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये थोड़ा सा इसमें प्रज्ञान माने अंडरस्टैंडिंग, समझ, साधारण ज्ञान से ऊंचा उसका शिखर कहलाता है प्रज्ञान, जान ही जाना, जाना जाना और फिर जान ही गए, सत्य तक पहुंच गए, वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ हुआ कि जो कुछ है ब्रह्म सत्य वो तुमसे अलग नहीं, तुम्हारे ही बोध का नाम ब्रह्म है, तुम्हारे ही बोध का नाम ब्रह्म है। तो तुम्हें किसी ईश्वर की उपासना की जरूरत नहीं, तुम्हें ब्रह्म विद्या की भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ध्यान की ही निष्पत्ति है प्रज्ञान। जहां ध्यान है वहां से प्रज्ञान है। तो ध्यान क्या हुआ? हमने कहा था ध्यान है मन और आत्मा के बीच का सेतु, याद है? उसके एक सिरे पर विचार है, दूसरे सिरे पर प्रज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग का ही नाम है प्रज्ञान। बस यही अर्थ सर। जब जानोगे, जब समझोगे, तो और तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, यही समझ में आएगा टोटल ब्रह्म। अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरह की नहीं होती है। जो भी समझेगा, जो भी जानेगा, वो एक को ही जानेगा। ज्ञान के विविध रंग हो सकते हैं, जानकारियों के प्रकार हो सकते हैं असंख्य, पर बोध या प्रज्ञान कई नहीं होते, एक भी नहीं होता। बोध या प्रज्ञान तो है ही वो जो मनातीत है, जो संख्याओं के पार है। वही प्रज्ञान है। इस अर्थ में तुम ये भी कह सकते हो कि ज्ञान का इतना सूक्ष्म हो जाना कि ज्ञान विलुप्त ही हो जाए, प्रज्ञान है। ज्ञान की विलुप्ति को प्रज्ञान कहते हैं। और वही ब्रह्म है। जब ज्ञान विलुप्त होता है तो जो चमकता है वो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान खंडित, आंशिक, हिस्से का, प्रज्ञान पूर्ण। तुम जब कहते हो कि मैं कुछ समझना चाहता हूं तो हमेशा शुरुआत किसी विषय से करते हो, लेकिन याद रखना कि अगर वास्तव में समझे तो विषय फिर बहुत पीछे छूट जाता है। शुरुआत विषय से ही करोगे। तुम यही कहोगे कि अभी तुम पंचदशी पढ़ रहे हो, तुम यही कहोगे कि अभी तुमने कोई उपनिषद उठाया, तुम यही कहोगे कि अभी तुम कबीर को पढ़ रहे हो। शुरुआत के लिए विषय रहेगा और शब्द आएंगे भीतर, वो ज्ञान के रूप में होंगे।
पर अगर वास्तव में तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो जल्दी ही ये बात महत्वहीन हो जाएगी कि तुम कबीर को पढ़ रहे हो कि जीसस को पढ़ रहे हो या उपनिषद पढ़ रहे हो, वो सब तुम्हें एक ही मौन में ले जाएंगे। उसी मौन का नाम है प्रज्ञान, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। एक श्लोक में एक बात उठी थी कि अगर आप कहते हैं कि ये भी दावा करते हैं कि भ्रम नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो ये डाउट कर रहा है या जो ये दावा कर रहा है कोई तो है, तो वो कौन है? मतलब इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ को नकार और नकली नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो इस सबको नकली कह रहा है। मेरे दिमाग में ये जो बात आई कि ये चीज़ एज अ कंसेप्ट गई है कि आपको समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो है, क्या ये अगर मैं ये भी ध्यान रखता हूँ अपने पास, क्या ये मेरी ईगो की चाल है कि मैं उसको एक कंसेप्ट में या फिर अपने 2.5 इंच के कटोरे में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? कौन है जो मना कर रहा है? तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि कोई तो है। कोई तो है सोचने से पहले तुमने ये भी तो सोच रखा होता है ना कि कुछ नहीं है, तो मना कर रहे हो ब्रह्म के लिए सब है। तो कोई तो है जो एक्टिव बैठा हुआ है, जो एक्टिव बैठा हुआ है ना, वो इसको नकार रहा है, उसको काट रहा है, कह रहा है ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 बातें चल रही है ना उसकी। वो तो है ही है, उसी को कहा जाता है कि ब्रह्म है। जो पहले ही मौन में है उसको ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि ब्रह्म है कि आत्मा है कि क्या है। उसको तुम ये सब बोलोगे तो व्यर्थ ही तुम उसको विक्षेप दे रहे हो। जो पहले ही मौन में है उसे क्यों ये सब बोला जाए?